नया भारत नया विधान अंग्रेजों के कानून से आजादी की 75 साल बाद अमृतकाल में मिली आजादी को लेकर ही थाना परिसर में पुलिस न्यायालय एडीपीओ जनप्रतिनिधियों व आमजन का हुआ कार्यक्रम। नया भारत नया विधान कानून की शुरुआत हुई आज से खत्म अंग्रेजी राज तीन मूलभूत कानूनों में हुआ क्रांतिकारी परिवर्तन। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर पुलिस थाना परिसर में पुलिस ने थाना क्षेत्र की आमजन शासकीय विभाग के कर्मचारियों व पत्रकारों का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनावर न्यायालय एडीपीओ रमेश डामोर व बसंत उदासी ने आमजनों को बताया है कि आप किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करा सकते हैं एफआईआर। महिलाओं व बच्चों के साथ अपराध होने पर त्वरित जांच सुनवाई ई एफआईआर का प्रावधान अब घर बैठे भी दर्ज करवाई जा सकती है। एफआईआर कोर्ट में पेश की जा सकेगी ई चार्जशीट। लैंगिक अपराध में महिला पुलिस की ही लिखेगी पीड़िता की रिपोर्ट। रेप पीड़िता के निवास पर माता पिता की मौजूदगी में महिला पुलिस द्वारा बयान लिया जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ गैंगरेप करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान। महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने या पहचान छुपाकर विवाह करने पर 10 वर्ष की सजा जैसे मामलों की धाराओं के बारे में आमजन को समझाया गया। और आज जो कार्यक्रम किया उसके बारे में थोड़ी जानकारी। मेरा नाम अंकित सोनी है, मैं आईपीएस हूँ 2017 बैच का और अभी एसडीओपी मनावर के रूप में कार्यरत हूँ। और आज जो कार्यक्रम हुआ था वो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत में का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसमें अंग्रेजी काल के जो हमारे लॉ थे, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया अपना, इंडियन पिनल कोड हो गया और सीआरपीसी है, आज से ये लागू नहीं होंगे और नए कानून लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो नए न्याय आए हैं ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव के साथ आए हैं। इसमें दंड के ऊपर न्याय को वरीयता दी गई है। इसमें अपने महिलाएं और बच्चों के लिए प्रावधान है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब पूरा ज़माना टेक्नोलॉजी से चेंज हो रहा है, तो इन लॉज में सब टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया गया है। सब जगह वीडियोग्राफी होगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कई चीज़ें करी जाएंगी और थाने की वर्किंग भी बहुत आसान करी गई है। जितने भी गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, सबकी वीडियोग्राफी होगी और तुरंत मजिस्ट्रेट को भी भेजा जाएगा। इस टाइप से कई सारे प्रावधान हैं और जैसे कुछ जो पुराने हमारे अपराध थे जो कि पुराने वाले इंडियन पिनल कोड में इंक्लूड नहीं थे, जैसे अपना मॉब लिंचिंग हो गया और अपना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो गए, जैसे झपट मारी, चेन स्नैचिंग हो गई, ये सबको नए लॉ में इंक्लूड किया गया है ताकि जो हमारा क्राइम का जो परव्यू है, वो डोमेन है, वो काफ़ी और बड़ा हो जाए। तो हम यही अपेक्षा करते हैं हमारे देशजनों से, हमारे नगरजनों से, कि पुलिस का और न्यायालय का काफ़ी सहयोग करें नए लॉ के इम्प्लीमेंट के लिए और हम लोग भी देश सेवा में तत्पर हैं।